नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक अच्छी सोच की थॉट कि चल करें कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। सो दोस्तों, अभी वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे वाईफाई की प्रॉब्लम्स और उनके बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 27 मई से हमारा एक और कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है, जो कि कॉम्बो पैक है बेसिक नेटवर्किंग और CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, यानी कि सिस्को का सर्टिफाइड जो कोर्स है वही यहां पे करवाया जाएगा। तो इस पूरे कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 3 महीने के अंदर और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ये दिया जा रहा है। तो यहां पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि वाईफाई की ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो क्यों आती है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे डिवाइस लगा हुआ है हमारे घर के अंदर और हमारे पास जो है उसके कोई सिग्नल भी बराबर हमें दिख पा रहे हैं, लेकिन उस पे जो है डेटा जब हम ब्राउज करते हैं, डेटा की जो स्पीड है इंटरनेट की वो हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इसका एक सिंपल जो आपको आंसर बताऊं, इसका सॉल्यूशन बताऊं, तो ये भी हो सकता है कि हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि हमारे उस एक्सेस पॉइंट की यानी कि वो वाईफाई डिवाइस को हमने पोजीशन कहां करके रखा है। हम जनरली क्या करते हैं कि जो भी ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हमें केबल लाके देता है उसको एक कोने में लगा देते हैं, राइट, या फिर कहीं पे वो विजिबल ना रहे तो हम क्या करते हैं कहीं टेबल के नीचे माउंट करवा देते हैं या कहीं हाइट पे लगा देते हैं और उसके एंटीनास को क्या करते हैं हम ऊपर साइड पे खड़ा कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो जो ओमनी एंटीनास हैं ये जो है इस तरह से 360 डिग्री में जो है सिग्नल को स्प्रेड करते हैं। अब यहां पे वो उनका सिग्नल स्ट्रेंथ है जो यहां पे अगर ये इस तरह से एंटीना खड़ा है तो वो यहां पे सिग्नल इस तरह से भेजता है, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि अगर डिवाइस हमारा हाइट पे है तो ऐसे में वो सिग्नल जो है हमें दिखते तो है हमारे मोबाइल के ऊपर, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी है, थ्रूपुट जो आ रहा है हमारे पास, वो जो है कम हो जाता है। ऐसे में हमारी स्पीड स्लो हो सकती है। हमने उसको नीचे कहीं पे माउंट करवा दिया, हाइड करा दिया। तो यहां पे मैं बता दूं, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये अगर इनके बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट आ जाता है जहां से सिग्नल जो है ब्रेक होते हैं तो उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी एक डेंसिटी होती है। अगर हो सकता है आपका कोई मिरर हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर देता है रेस को, है ना। कोई वुडन की कोई चीज आ गई तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल जो है वहीं पे अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये चीजें है, कोई आयरन की चीज है तो वो क्या करेगा, वहां पे जो है उसके सिग्नल्स को या तो किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देगा या फिर जो है उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसकी पोजीशन होनी कैसी चाहिए। अब सपोज कर लो कि एक आपका 12x12 का जो है रूम है और उसके अंदर आपने ये कहीं पे एक कोने में लगा रखा, तो आपकी पोजीशन हमेशा ये होनी चाहिए कि आप कहीं पे सेंटर के अंदर, अगर आप सीलिंग पे माउंट करना चाहो तो आप सीलिंग के जो है सेंटर में रखें या फिर ऐसी कहीं पे सेंटर पोजीशन पे लें जहां पे सिग्नल जो है पूरे आपके चारों तरफ जो है आपको मिल पाए। तो ऐसी किसी भी पोजीशन के ऊपर जो है आपको क्या करना है, इसको माउंट करना है या किसी टेबल के ऊपर में सेंटर पे रख देना है। भले ही वो विजिबल हो लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जो है उसके सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर आएगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर हमारा डिवाइस जो है वो पुराना हो चुका है। अब पुराने डिवाइस के अंदर क्या है कि टेक्नोलॉजी भी डेफिनेटली पुरानी होगी, है ना। अगर हमने जब 3G था तब का अगर खरीदा हुआ है तो आज हमारे पास डेटा कितना ट्रांसमिट हो रहा है, 4G, है ना। तो 4G के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो बढ़ गया है, लेकिन जो हमारा डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर था, वहां पे से उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा अधिक जो है आपको डेटा को ट्रांसमिट करके दे। ऐसे में आपके डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी है यानी कि एक्सेस पॉइंट की जो वाईफाई डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी है और आपके मोबाइल्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ये बराबर होनी चाहिए, तब जाकर जो है ये आपस में बराबर कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब कई बार होता है कि हम क्या करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास हर परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं सभी के पास एक एक दो दो मोबाइल अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं कि डिवाइस की कैपेसिटी है सिर्फ फॉर एग्जांपल 5 डिवाइस को कनेक्ट करने की, लेकिन हम उस पर कनेक्ट कर रहे हैं 7 डिवाइस,
है ना। अब सात डिवाइस अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि किसी न किसी एक डिवाइस को आउट कर देता है। हम बोलते हैं यार पता नहीं ये मेरा बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, क्यों, यहां पे हम रिक्वेस्ट ज्यादा दे रहे हैं उसको, है ना, ज्यादा डिवाइस उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, तो वो किसी न किसी डिवाइस को तो रिमूव करेगा तभी दूसरे को ज्वाइन करने देगा। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या करना है कि लिमिटेड एक्सेस ही रखनी, यानी कि एक डिवाइस के ऊपर उसकी जो कैपेसिटी है उतने ही डिवाइस को आपको ऑथेंटिकेट करके रखना है। बाकी डिवाइस को क्या करना है, या तो आप उनका वाईफाई बंद करके रखें ताकि दूसरे डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट ना करे कनेक्टिविटी की, तो ऐसे में जो है आपके जो वर्किंग डिवाइस है उनको स्पीड मिलती रहेगी, उनके से आप प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है डेटा ट्रांसमिशन का होता रहेगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉन्फिगरेशन, है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि जो डिफॉल्ट चैनल का कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसमें अपना आईपी एड्रेस वगैरह डाल के सीधा सेव कर देते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं बता दूं आपको कि चैनल जो है सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल मतलब किस लेयर पे जो है आपके जो सिग्नल है उस पे यहां पे जो है आपको ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है आपको यहाँ पे डिवाइस आपके जो सिग्नल है उनको थ्रू करेगा, है ना। थ्रू करने पे यहाँ पे अगर आप एक ऐप यूज कर सकते हैं जिसका नाम है वाईफाई एनालाइजर। अगर वाईफाई एनालाइजर ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे ऑन करके, आज हर किसी के पास में या तो स्मार्टफोन के अंदर हॉटस्पॉट बनाने का ऑप्शन अवेलेबल है, वाईफाई डिवाइस है, बहुत तरह के अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल है जो हमारे नेटवर्क के अंदर हमें यूं तो फील नहीं होते लेकिन हमारे पूरे हर जगह पे इतना ज्यादा कंजेशन कर देते हैं। अगर उन्हीं चैनल्स के ऊपर हम भी अपना डिवाइस लगा देंगे तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल देके समझाऊं तो सपोज कर लो एक चौराहे पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्रैफिक है और आप भी अगर उसी चौराहे से जाके क्रॉस करना चाहते हो तो आप भी उसी ट्रैफिक के अंदर क्या कर जाओगे, फंस जाओगे, है ना। तो यहां पर चैनल नंबर सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसा चैनल सेलेक्ट करेंगे जिस पे जो है ट्रैफिक जो है आपके एरिया के अंदर नहीं है तो यहां पे कंजेशन होने का कोई सवाल नहीं है। अब एक अगर पुराने चैनल यहां पे सपोज कर लो चैनल नंबर 1 के ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत सारे डिवाइस आपके सराउंडिंग में है लेकिन आपने भी अपने डिवाइस को क्या कर दिया, चैनल नंबर 1 के ऊपर कॉन्फिगर कर दिया, तो यहां पे क्या होगा कि आपका डिवाइस जब वहां पे कनेक्ट होगा चैनल नंबर 1 पे आपके डिवाइस के साथ आपके एक्सेस पॉइंट के साथ, तो यहां पे दूसरे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो बीच में अपने सिग्नल्स जो है इंटरफेयर करते हैं तो यहां पे आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट प्रॉपरली नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि यहां पे आपस की लड़ाई चलती रहती है। तो ये चीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने जो है डिवाइस अच्छा ले लिया, ठीक है, हमने डिवाइस अच्छा ले लिया, थ्रूपुट अच्छा उसका, पूरा टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास स्मार्टफोन यूज करने वाले वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें क्या नहीं मिलती है, स्पीड नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जिस आईएसपी से हमने जो है वो कनेक्शन लिया है उस आईएसपी के जो स्पीड देने का जो इक्विपमेंट बीच में उसने नेटवर्किंग के इक्विपमेंट लगा के रखे हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर क्या करना है आपको, उस चीज पे भी ध्यान देना कि आप अगर ऐसे अच्छे डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हो और अच्छी स्पीड पाना चाहते हो तो आपका जो कनेक्शन है वो भी एक अच्छे आईएसपी के साथ में होना इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से वो उतना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा फिर आगे आप कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लो आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारे डिवाइसेस में ये होता है कि बहुत सारे डिवाइस तरह के डिवाइस हमारे एक्सेस पॉइंट के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, टीवी भी कनेक्टेड है ना, आईओटी की अगर बात करें तो टीवी भी कनेक्टेड है, हमारे मोबाइल्स भी कनेक्टेड है और भी स्मार्ट चीजें जो है वो कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है। अब ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई डेटा डाउनलोड कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर को जो है क्या करना चाहते हैं, प्रायोरिटी देना चाहते हैं डेटा ट्रांसमिशन में, तो वहां पे जो है हमारे राउटर्स के अंदर जो है एक होता है QoS ऑप्शन होता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब ये ऑप्शन के अंदर जाके आप जिस भी चीज को सेलेक्ट करोगे ये क्या करेगा, उसको प्रायोरिटी देगा, उसके डेटा जितना भी होगा उसको प्रायोरिटी देगा और उस पे जो है सबसे पहले ट्रांसमिशन किया जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद अगर बात करें कि कई बार जो है आईएसपी हमें प्रोवाइड करता है एक DNS, क्यों, उसने खुद का एक डोमेन नेम सर्वर बना के रखा है जिसके जरिए जो है वो DNS प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है और जाके वापस से आगे आपको जो है डेटा ट्रांसमिट करके आपके डेस्टिनेशन तक आपको ट्रैफिक को पहुंचाता है। लेकिन अगर उसका DNS सर्वर जो है
वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गूगल का जो ओपन डीएनएस है, अगर आप गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं ओपन डीएनएस है ना, तो ओपन डीएनएस आप लिखेंगे तो वहां पे आपको डीएनएस ओपन जो स्टेटस है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप उनका इस्तेमाल करोगे, आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगी। क्यों? वो जो डीएनएस मिलेंगे वो गूगल के डीएनएस है और गूगल के सर्वर जो है बहुत ही एडवांस है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सो आई एम श्योर कि दोस्तों ये जो सिंपल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप भी ये प्रॉब्लम्स इनमें से कोई भी अगर फेस कर रहे हो तो आप ये सिंपल सॉल्यूशन जो मैंने बताए हैं आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। लेकिन नोटिफिकेशन कब मिलेंगे, जब आप उसके साथ साथ में बेल का आइकन दबाएंगे। दोस्तों आगे मैं बता दूं, वीडियो को एंड करने से पहले हमारा एक और ऑफिशियल चैनल है निरंकारी इन्फोटेक.com हमारी वेबसाइट है, निरंकारी इन्फोटेक के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहां पे जो है आपको कोर्स से रिलेटेड, अगर आप कोई कोर्स जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत तरह के कोर्स, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स वहां पे अवेलेबल होने जा रहे हैं, तो आप अगर करना चाहते हैं उनमें से कोई कोर्स तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका भी बेल आइकन दबा लें, ताकि वहां पे जो भी अपडेट हो उसके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। सो आई एम श्योर दोस्तों वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, प्लीज रिक्वेस्ट है ये। तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।